अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे भिंडी की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम भिंडी। इसको मैंने धोकर पानी अच्छे से इसका पोंछ दिया था, उसके बाद फिर मैंने इसे काट लिया है इस तरह से, ऐसे बारीक। और यहाँ पे लिया मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची, जिसको मैंने लंबी काट लिया है। इसके अलावा हमने लिया है यहाँ पर 1 प्याज, इसको भी मैंने काट लिया है। बाकी कुछ मसाले हैं जो मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पैन को गरम किया है, इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून तेल। तेल गरम हो गया है, अब इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, साथ ही हरी मिर्ची डालेंगे और ये प्याज भी डाल देंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज सॉफ्ट होने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे भिंडी। भिंडी को 1 मिनट हम भून लेंगे। इसमें मैं बहुत ही कम मसालों में बना रही हूँ इसे, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। 1 मिनट भूनने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, या आप जितना खाते हो नमक उसी हिसाब से डाल लें। हल्दी 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है। नींबू का रस 1 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर, इसे मिक्स करेंगे। वन फोर टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर, इसे मिक्स करेंगे। इसके अंदर पानी नहीं डालना है बिल्कुल। थोड़ा कटी हरी धनिया डाल देंगे। इसका ढक्कन बंद करेंगे और स्लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट से हम पका लेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो ये 5 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी अच्छे से हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है, और इसके अंदर अभी बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है। 1 मिनट हम इसे खोल के भून लेंगे, फिर हमारी सब्ज़ी रेडी। तो ये सब्ज़ी तैयार हो गई है। अब गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर से कटी हरी धनिया से इसे गार्निश कर देंगे। तो ये झटपट बनके तैयार हो गई है, खाने में बहुत ही यम्मी है। मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ही कम मसाला मैंने डाला इसके अंदर, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक और रेसिपी के साथ।